Hey guys, hi, very good evening to all of you and welcome to the sessions. कैसे हो तुम लोग? How's life going on and how are you all doing? कैसा चल रहा है सब कुछ? जल्दी जल्दी बता दो मेरे को चैट्स में and I will be very eager to know that. तो I am here in front of all of you with the 7 most common mistake जो तुम लोग कर सकते हो, जो करते हो, कर सकते हो नहीं हो, जो in fact तुम लोग करते हो in every mathematics exam which you must take care. Although मैं वो मिस्टेक्स तो बता दूंगा, शायद वो मिस्टेक तुम्हें पता भी होगा, बट द पार्ट इज दिस कि सर वो मिस्टेक तो हमें भी पता है, आप वापस बता रहे हो, चलो ठीक है, अच्छी बात है, उसको ठीक कैसे करें. तो आई एम गोइंग टू टेक दैट पार्ट ऑल्सो कि कैसे उन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर दैट सेशन, द 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स विच यू डू. एंड व्हेन आई एम सेइंग इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स तो उसका मतलब ये है कि वो ऐसे मिस्टेक होते हैं जो बहुत आसानी से अवॉइड किए जा सकते हैं और नहीं अवॉइड किए जाने पे वो अच्छा खासा नुकसान देके जाते हैं. सो दैट इज वाई दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स विच एवरी वन और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डज. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन विद दिस पार्ट. एंड द फर्स्ट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू इज दिस. सो पहला मिस्टेक जो हम लोग हमेशा करते हैं वो ये होता है कि हमने जो क्वेश्चन पढ़ा और वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो वैल्यू उतारी वो कुछ और होती है. कई बार इनफैक्ट मोस्ट कॉमन में बता रहा हूं, 16 लिखा हुआ है, वील राइट 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 16 सेंटीमीटर वील राइट 6. और मुद्दा क्या होता है कि कई मोस्ट ऑफ द केसेस में मैथमेटिक्स के ऐसा तो होता नहीं कि फाइनल आंसर या ऑप्शंस लगाने, ऑप्शंस वाले क्वेश्चन तो कम होते हैं. Majority होता क्या है, that you have to find the answer and once you have taken 6 you will get an answer but you will not be knowing that you have got a wrong answer and that is the most, what you can say, सबसे खतरनाक गलती कह सकते हो, because actually that question would have been right for you but unfortunately because of just a silly mistake, just an error, just a fraction of error, what you can say, you will get the whole question wrong. तो अब उस केस में करना क्या चाहिए, what should be done? तो देखो एक चीज पता है आखिर ये होता क्यों है, Why we take out 16 जो नॉर्मल हम आम सिचुएशन में हम उसको 16 ही पढ़ते हैं. इनफैक्ट आफ्टर द एग्जामिनेशन हॉल ऑल्सो वी रीड इट 16 ओनली, बट एग्जाम हॉल में वो 6 कैसे बन जाता है? इज देयर समथिंग सुपर मैजिकल हैपनिंग देयर? नहीं. होता क्या है पता है, माइंड काम ऐसे करता है कि माइंड आप जिस सिचुएशन में रखोगे माइंड विल रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन. तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल जाते हो तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर इन अ हरी. Why? Because एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले दे हैव अ क्लॉक फिटेड इन देयर माइंड कि वो क्लॉक 180 मिनट्स तुरंत दिखाना शुरू करता है. एज सून एज यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल एंड यू गेट द क्वेश्चन पेपर वो टिक 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 चालू हो जाता है. और जैसे ही वो टिक 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 चालू होता है एट दैट वेरी मोमेंट यू आर लाइक गॉन, बिकॉज दैट टिक 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 वाला जो पूरा सेगमेंट है उस सेगमेंट में होता क्या है दैट योर माइंड कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन गिविंग यू दिस इंस्ट्रक्शन, बेटा लेट हो रहा है, इट्स गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग लेट. एंड दिस लेट 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 वाला जो रिस्पॉन्स है ना, दैट पुट्स योर माइंड एंड योर होल रिस्पॉन्स इन सो मच ऑफ हरी दैट यू कीप ऑन मिसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट सिली थिंग्स. और इसीलिए वो 16 कई बार 6 उतर के उतरता है, या हमने शायद 26 आंसर आ रहा था, बाय मिस्टेक वी डिड इट 24. कई बार ऐसा बच्चों ने किया 3 into 2 is equals to 5 एंड दैट इज अ सिली मिस्टेक व्हाट यू डू. तो सिली मिस्टेक हमेशा याद रखना, सिली मिस्टेक को अवॉइड करने का सबसे बड़ा तरीका यही होता है दैट यू मस्ट मेक योर ब्रेन काम. पूरी तरह से अपने ब्रेन को यह सिखाओ कि पहला कि ये जस्ट एक एग्जाम है, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग यू टेल दैट वी हैव 180 मिनट्स. डोंट टेल योर ब्रेन दैट यू हैव 3 आवर, टेल हिम कंटिन्यूअसली 180 मिनट है भाई, 180 मिनट, 180 मिनट्स एंड वी हैव टू सॉल्व ओनली 40 क्वेश्चंस. 40 क्वेश्चन 180 minutes, there is a huge time which we have and we would be able to solve it very properly without any haste. So keep on telling this thing to your brain. जितनी बार ये बात अपने ब्रेन को बताओगे ब्रेन उतना शांत होगा, और जितना शांत होगा उतना रिलैक्स होकर तुम पेपर दोगे, और जितना रिलैक्स होकर पेपर दोगे सिली मिस्टेक होने के चांसेस उतने ही कम होंगे. सो प्लीज कीप दिस इन योर माइंड दैट यू डोंट हैव टू मेक योर सेल्फ हरीड. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज दिस. देखो ध्यान से क्या है ये चीज, रिलाइंग ऑन मेंटल कैलकुलेशन. ये शायद हम सब बच्चे करते हैं. इनफैक्ट तुम तो कहोगे सर ये तो आप तो सबसे ज्यादा करते हो. आई नो मैं सबसे ज्यादा करता हूं, बट देखो मेरे में और तुम में अभी काफी अंतर है. काफी अंतर इसलिए है ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूँ तुम स्टूडेंट हो, एक अंदर तो वो है ही। बट सेकेंड चीज़ क्या है ना, मैं मेंटल कैलकुलेशन जितना भी करूँगा वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा राइट करूँगा। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो तुम सोच लिए होगे कि सर यू आर सो एक्सपीरियंस, सो नॉलेजेबल एंड ब्ला 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 ब्ला। बट दूसरा कारण ये भी है दैट इन द सिचुएशन वेयर आई एम, आई डू नॉट हैव एनी टेंशन ऑफ बीइंग रॉन्ग और बीइंग राइट। अगर मेरे से गलती हो जाए तो मेरे को क्या बोलना है, बस एक सॉरी बोलना है कि अरे बेटा सॉरी गलती हो गया, वो मैं दिमाग में कर रहा था छूट गया, बस इट्स ऑल। बट से फॉर एग्जाम्पल इफ दिस एग्जाम वुड हैव बीन अ वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जाम और प्रूविंग माई स्किल्स इन दिस एग्जामिनेशन वुड हैव फेच मी $1,000,000, भाई तब तो मेरी भी लंका लगी रहती, बिल्कुल, इजंट इट। क्यों? बिकॉज आई वुड हैव बीन ह्यूज टेंशन, oh this is, and then 200% sure, no matter how big mathematician I am, how much sharp I am at my calculations, I would have done mistake. ये होता, पक्की बात है। और तुम अभी वैसे ही सिचुएशन में हो। जब तुम बोर्ड्स के पेपर लिख रहे होते हो तो मैंने अभी भी क्या बताया, बहुत टेंशन है, दिमाग में ऑलरेडी क्लॉक घूम रहा है। जब दिमाग में ऑलरेडी क्लॉक घूम रहा है तो टेंशन वाली बहुत हालत है। और इन हालातों में व्हेन यू आर रिलाइंग ऑन योर कैलकुलेशंस इन योर माइंड, देयर इज एन absolute probability of making it wrong. बहुत ज़्यादा chances हैं, and that is why we always try to say you एकदम starting से, जैसे हम हर teacher बोलता होगा, तुम्हें भी, मैंने भी काफ़ी बोला था कि काफ़ी बोला है कि बेटा कभी भी कैलकुलेशन को मन में मत किया करो। ये इसलिए नहीं बोलते कि तुमको मन के कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करने की ज़रूरत है या तुम्हें हर जगह कॉपी पेन की ज़रूरत पड़नी चाहिए ना। इनफैक्ट आने वाले टाइम में तुम्हारा कैलकुलेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा और होना भी चाहिए दैट यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट एवरीथिंग इन योर माइंड। बट फिर भी हम साल के स्टार्टिंग से ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज तुम्हारे अंदर ये आदत आए कि तुम्हें कैलकुलेशन कॉपी पे ही करनी है, एटलीस्ट टिल द बोर्ड एग्जामिनेशंस, बिकॉज टिल नाउ यू आर नॉट सो मच श्योर दैट यू आर एबल टू मैनेज योर माइंड सो प्रॉपरली। सो दैट इज द टू पार्ट, ईदर यू मेक योर सेल्फ सो मच श्योर दैट यू टेल योर ब्रेन नॉट टू हेस्ट, नॉट टू वरी, एंड यू मेक योर ब्रेन कंप्लीटली काम। तो ऑब्वियसली ये जितने मेंटल कैलकुलेशन भी तुम करोगे वो सारे सही आएंगे, मेरे कभी गलत नहीं होते हैं तो तुम्हारे भी नहीं होंगे, पक्की बात है। Second, if you are not able to do this, the first part, then second part what you can do, you can rely completely on a paper-based calculation. That is the best thing. Okay? And what I would suggest, इसमें भी काफ़ी सारे बच्चे बेंच पे करते हैं. Don't do that. Try to do it on copy. क्योंकि कॉपी में बेंच पे क्या होता है, कई जगह मान लो पूरा बेंच ऐसा है और यहाँ पे एक ब्लैक लेटर लिखा हुआ है, तुमने लिखते वक्त तो इसको 8 बनाया था लेकिन वो ब्लैक लेटर जब तुम पढ़ने बैठोगे तो शायद 5 दिख जाए, तो ये दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो डोंट यूज बेंच और समथिंग लाइक दैट, यूज पेपर, रफ पेपर, ओके। तो दिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन थिंग, एंड ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, इसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि अभी सर हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है सर, फीलिंग गुड फीलिंग गुड, सर आई लाइक योर वीडियो, सर आई शेयर योर वीडियो, सर ये सब तो कर लिया, एग्जामिनेशन में वापस से क्लॉक घूमने लगा सर, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो यार तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। एंड ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया कि तुम इस पर खूब सारे लाइक्स करो और खूब शेयर करो, वो तो करोगे ही तुम, दैट आई नो, बट ये वीडियो मेरे बनाने का ज़्यादा तर्क और ज़्यादा इसके पीछे का उद्देश्य ये है दैट आई वॉन्ट यू गाइज टू लर्न फ्रॉम दिस। तो जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ या तो वो कहीं लिख लो अगर तुम्हें याद नहीं रहेंगी तो, और नहीं तो ध्यान, अगर याद रहेगा तो उसको पूरी तरह से अपने अंदर डालो कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं और उसी के कारण से उसके पहले उसका प्रिकॉशन लेना है, फाइन। तो प्लीज़ टेक दीज प्रिकॉशंस। तो ये हो गया सेकेंड आपका मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक देखो, सॉरी थर्ड मिस्टेक क्या है आपका? थर्ड मिस्टेक है यूजिंग रॉन्ग डिजिट्स और डायमेंशन। ये हम हमेशा करते हैं, कभी कभी तो इसका ज़्यादा खराब रिएक्शन नहीं होता है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल एट द एंड इफ एवरी द होल क्वेश्चन इज गिवन इन मीटर, तो आपने कैलकुलेट करते करते एट लास्ट यू हैव टू राइट 24 मीटर स्क्वायर एंड यू बाई मिस्टेक रिटन 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो ये इतना मैनेजेबल है एंड टीचर ऑल्सो डज नॉट माइंड दिस मच। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है, से फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम दिया हुआ है दैट देर इज अ वायर, ओके फाइन, एंड वायर में दिया हुआ है क्या कि रेडियस इज 3 मिलीमीटर एंड लेंथ इज 5 मीटर। अब वो कई बार दो चीज़ें इसमें गलती होती है। पहला तो अगर तुम बहुत जल्दी में हो तो वो मिलीमीटर का $m पढ़ना भूल जाओगे, यू विल रीड ओनली मीटर, तो यू विल रीड की रेडियस इज 3 मीटर एंड लेंथ इज 5 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम, पहली गलती। दूसरा, अगर तुमने मिलीमीटर पढ़ भी लिया तो बच्चे मिलीमीटर पढ़ते हैं, एकदम अच्छे से पढ़ते हैं, वो लिखते भी हैं 3 मिलीमीटर, बट जब वैल्यू लेने जाते हैं तो दे डोंट चेंज दैट मिलीमीटर टू मीटर एंड दे डायरेक्टली पुट द वैल्यू, वहां पे अगर तुमने गलत वैल्यू डाली तो आखिरी में तुम कुछ करके भी, आखिरी में भले तुमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हो या मीटर स्क्वायर लिखा हो, हार्डली मैटर्स, बिकॉज द होल आंसर विच यू हैव गॉट इज अ रॉन्ग आंसर बिकॉज यू हैव नॉट कन्वर्टेड द यूनिट्स। और यहां पे ये चीज सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो जाता है। इनफैक्ट एट दैट वेरी मोमेंट यू विल नॉट गेट इवन अ सिंगल मार्क्स। व्हाई? क्योंकि पता है तुम्हें सिंगल मार्क्स क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तुम कहोगे सर हमने स्टेप तो सही किए। बेटा स्टेप सही किया, बट स्टेप में पहला स्टेप मार्किंग तब होगा ना जब आप पहला स्टेप का आंसर सही लिखोगे। आपने तो पहले स्टेप से ही गलती कर दी, आपने तो 3 मिलीमीटर को 3 × 10⁻³ लिखा ही नहीं, तो आपको जो फर्स्ट स्टेप का आंसर आने वाला वही गलत आएगा, तो यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स। और ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। तो प्लीज डोंट डू दीज टाइप ऑफ मिस्टेक अगेन। इसके लिए तरीका एकदम सिंपल है जो मैं बार बार बोलूंगा इस पूरे वीडियो में, अपने दिमाग को शांत करो और जल्दी जल्दी मत भागो। डोंट से योर माइंड कि यू हैव 3 आवर्स ओनली, कट दैट वर्ड ओनली, एंड से योर माइंड दैट यू हैव 3 आवर्स, और से योर माइंड दैट यू हैव 180 मिनट्स, 180 ह्यूज मिनट्स। तो ऑब्वियसली तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा शांत होगा और ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये काम जरूर करना। इसके काफी सारे और वर्जन्स हो रहे हैं, तो मैं वो सारे वर्जन नहीं बता रहा हूं कि मिस्टेक क्या क्या हो सकता है, बट हाँ आई गेस यू वुड हैव गॉट द आइडिया कि डायमेंशन और यूनिट्स में काफी गलतियां होती हैं और इसके कारण से आंसर गलत आता है, तो ऐसा मत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली गलती ये है, ये गलती मैं बता रहा हूं ये सबके साथ नहीं होती है, लेकिन हाँ 80% के साथ होती है। बाकी पहली 3 गलती तो 95% के साथ होती है, ये 80% के साथ होती है। अब ये 80% भी देयर इज अ ह्यूज चंक। क्यों होती है ये गलती ये भी बताता हूं। होता क्या है, जब तुम बोर्ड में जाते हो एग्जाम देने तो तुम काफी डरे हुए हो, अभी डरे हुए हो, सबको डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा कट हो गए होंगे प्री बोर्ड में, उनके टीचर्स ने सही सही आंसर पे भी बहुत नंबर काटे होंगे और उसके बाद उसको बताया होगा तुमने यहाँ पे इज छोड़ा, यू हैव मिस्ड आर हेयर, यू हैव मिस्ड द कॉमा हेयर, यहाँ मीटर नहीं लिखा, यहाँ मीटर स्क्वायर होना था। सिली सिली मिस्टेक पे टीचर्स नंबर काटते हैं और बच्चों को लगता है ओ यार दिस इज वेरी टफ मैन, आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट, इजंट इट, ऐसा ही फील आता है। तो तुम काफी डरे हुए हो अभी, ये बात पक्की है। अब जब तुम इस डर के साथ बोर्ड पेपर्स देने जाते हो तो तुम्हारे मन में ऑलरेडी इतना डर बना हुआ है कि यू आर नॉट कॉशियस, यू आर ओवर कॉशियस। तुम बहुत जरूरत से ज्यादा कॉशियस हो चुके हो। और ये जरूरत से ज्यादा कॉशियस का मतलब क्या होता है, तुमने जैसे ही 1 मार्कर देखा, 1 मार्कर देखा, उसमें मान लो दिया हुआ है रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द, और रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अच्छी बात है, रेडियस 7 दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर लगाना है, एरिया आ जाएगा मजे से 22 × 7, अच्छी बात है। बट यू विल थिंक नहीं ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये आम क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, इसमें जरूर कुछ एक्स्ट्रा करना है, इसमें जरूर कुछ नई चीज लिखने की जरूरत होगी तभी 1 नंबर मिलेंगे, बोर्ड का क्वेश्चन है भाई। तो यू विल व्हाट डू, तुम पहले से एक सर्कल बनाओगे बड़ा सा, और फिर सर्कल में सेंटर दिखाओगे, और फिर तुम उसका रेडियस लिखाओगे, फिर रेडियस को r = 7 लिखोगे, फिर यू विल राइट लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी O एंड लेट द रेडियस एज गिवन इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। फिर लिखोगे सिंस वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू A इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, हेंस पुटिंग द वैल्यू r = 7, और ये पूरी राम कहानी तुम लिखोगे। नंबर तुम्हें वहां भी 1 नंबर मिलेंगे। और एक मैं अगर मान लो एग्जाम दे रहा होता और मैंने लिखा होता पाई आर A इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, r = 7, तो पाई इंटू 22/7 × 7 स्क्वायर, आंसर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने उतना ही लिखा, मुझे भी 1 ही नंबर मिलेंगे, तुम्हें भी 1 ही नंबर मिलेंगे, भले तुमने आधे पेज भरा या पूरा पेज भरा, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमने नुकसान क्या किया, तुमने उस 1 क्वेश्चन में जो शायद तुमसे 1 मिनट में होना चाहिए था, तुमने उस 1 क्वेश्चन को करने के लिए 4 मिनट लगाए। ऑब्वियसली तुम 3 मिनट के लॉस में हो मेरे कंपैरिजन में। अगर मान लो मैं एग्जाम लिख रहा हूं तो तुम मुझसे 3 मिनट के लॉस में हो। अगर ऐसे 3-3 मिनट के तुमने 5 क्वेश्चन लॉस किए तो तुमने 15 मिनट लॉस किया। और ए 1 मार्कर आई गेस 10 क्वेश्चन होंगे, और अगेन फिर 10 क्वेश्चन 2 मार्कर। तो अगर तुम 10 क्वेश्चन ओवरऑल भी मैं मान लेता हूं और हर में 3 मिनट लूज करते हो, तो आधे घंटे की दूरी पे हो मुझसे। अब ये आधा घंटा अगर मैं बोलूं तो सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, बट जस्ट से फॉर एग्जांपल आंख बंद करके एक बार ये इमेजिन करो कि तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो एंड यू हैव कंप्लीटेड द होल पेपर इन 2 आवर 30 मिनट्स। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस विच यू विल बी हैविंग एंड convert this situation, reverse it, and just imagine that you have not been able to complete your paper in 2 hour 30 minute or 40 minute, and you have written the last word of your question paper in just 2 hour 58 minute or 55 minute, when just teacher is has started taking the copies from there, and you're like, oh my god, पता नहीं क्या होगा, जल्दी जल्दी पेपर लगाओ, धागे लगाओ, स्टैपलर लगाओ एंड सो ऑन. उस वक्त तुम्हारा सिचुएशन क्या होगा? ऑब्वियसली देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि तुम जब लास्ट वाला सेशन है, लास्ट वाला सिचुएशन है, उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां करोगे. सिली मिस्टेक्स के नंबर बहुत हाई होंगे. तुम ज़रूर बहुत सारी चीज़ें छोड़े हुए होगे, कुछ बहुत सारा सिली मिस्टेक किए होगे एंड ऑल दैट. तो वाई नॉट टू सेव टाइम्स इन दीज थिंग्स. वन मार्कर है, सीबीएसई बोर्ड इटसेल्फ सेज दैट यू डोंट नीड टू राइट मोर देन अ लाइन. एक लाइन से ज्यादा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये सीबीएसई कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं. टू मार्कर क्वेश्चन है, सीबीएसई सेज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट मोर देन 3 लाइन्स. इन जस्ट 3 लाइन्स यू कैन फिनिश योर आंसर. ये सीबीएसई कहता है. तो मेरे प्यारे बच्चों, जब सीबीएसई खुद से कह रहा है आपको कि 3 से 4 लाइन्स लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप 1 नंबर के क्वेश्चन में आधा पेज क्यों लगा रहे हो? और इससे कहीं ज्यादा नंबर नहीं मिलने वाला है. इनफैक्ट काफी सारे बच्चे, और ये इसलिए होता है क्योंकि तुम डरे हुए हो, जैसा मैंने बताया था. तो इसका एक ही सिर्फ तरीका है, तुमको ये बात समझनी पड़ेगी कि 1 नंबर का क्वेश्चन में हो सकता है तुम्हारे स्कूल वाले टीचर ने तुम्हें नंबर नहीं दिए हो, बट बोर्ड में मिलेंगे. अगर तुमने आंसर सही निकाला है तो बोर्ड में पूरे नंबर मिलेंगे. बोर्ड वाला ये नहीं लिखेगा कि तुमने यहाँ पे इज छोड़ा, आर छोड़ा, डॉट छोड़ा, कॉमा छोड़ा, तुमने गिवन नहीं लिखा है, टू प्रूव नहीं लिखा है, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, बिलीव मी. ठीक है, आई हैव बीन इन टू दिस फील्ड फॉर सो लॉन्ग, सो आई नो दैट. सो बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. बी वेरी कॉन्फिडेंट कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मिनट ही उस पर स्पेंड करना है. यू हैव टू जस्ट राइट 1 लाइन. 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मिनट स्पेंड करना है, 3 से 4 लाइन लिखना है, नथिंग दैट मोर देन दैट. और यहाँ पे जो टाइम सेव होगा, इस टाइम से तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा दैट इन द 3 मार्कर और 4 मार्कर क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट मच मोर प्रॉपरली. ठीक है, तो इस चीज का बहुत खास ध्यान रखना. 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पे अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करना. चलो आगे बढ़ते हैं. ये है आपकी अगली गलती, और इस गलती के बारे में तो क्या बोलूं, तुम भी बोलोगे सर इसके बारे में अब हम क्या ही कर सकते हैं. तो कर तो चलो कुछ भी नहीं सकते हो. अब जिसकी राइटिंग पहले से बचपन से खराब है, तो अभी अब 2 दिन में तो क्या सुधरेगी, इजंट इट. लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूँ, इसमें एक चीज तुम भी कर सकते हो. देखो, राइटिंग सुधारने का टिप्स मैं नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज आई नो वो बहुत इम्प्रैक्टिकल टिप होगा कि राइटिंग सुधार लो बेटा एक रात में, वो कभी मुमकिन नहीं है. बट एक चीज़ कर सकते हो. देखो, जिनकी राइटिंग अच्छी है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए ये टिप्स काम का नहीं है. बट जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो इसमें भी लेवल होते हैं कि मेरी राइटिंग ऑलमोस्ट मोटा मोटी ठीक है, मीडियोकर में आती है, या मेरी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा खराब है, और फिर एक लास्ट लेवल आता है कि मेरी राइटिंग ऐसी है कि मैं भी पढ़ लूँ तो मैं बहुत बड़ी बात हो जाएगी. तो ये जो सारे लेवल्स वाले हैं, मीडियम लेवल, लो लेवल और सबसे बिलो लेवल, ये जो जितने राइटिंग के लेवल्स वाले लोग हैं, प्लीज़ ट्राई टू डू वन थिंग. देखो, तुम अगर राइटिंग लिख रहे हो तो राइटिंग, कुछ भी लिखने का पर्पस क्या होता है, सामने वाले को समझ में आना चाहिए, पक्की बात. मीडियोकर लिख रहे हो तो हो सकता है सामने वाले को समझ में आ जाए, तो तुमको उसको और थोड़ा सुंदर बनाना है. तो सुंदर कैसे बनाओगे? जस्ट पुट सम मोर स्पेसिंग. वर्ड्स जो लिख रहे हो उसमें थोड़ा स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ा दो, और प्रयास करो कि हर एक क्वेश्चन के बाद 1 लाइन छोड़ दें, 2 लाइन छोड़ दें, उससे तुम्हारा आंसर क्लीन दिखेगा. ठीक है, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि राइटिंग सुधारो, जैसी राइटिंग है वैसे लिखो. डोंट राइट वेरी फास्ट एंड थोड़ी स्पेसिंग बढ़ा दो. अब नेक्स्ट लेवल के लिए आते हैं, जिनकी राइटिंग बहुत ही अत्यंत खराब है, जिनकी मतलब हालत बहुत बुरी है, तो वो लोग अपनी स्पेसिंग तो बढ़ाओ ही, साथ साथ हर 1 लाइन के बाद 1 लाइन छोड़ना शुरू करो. ठीक है, बिकॉज कुछ लोग होते हैं, जैसे एलजेब्रा लिखना है तो दे विल राइट एल ऐसा कुछ लिखेंगे, वो एलजेब्रा. मतलब अभी भी बहुत एकदम नोवाइस स्टेज पे उनका हैंड राइटिंग है. तो जिन बच्चों का राइटिंग बहुत पुअर है, वो स्पेसिंग भी ज्यादा लो, और इस स्पेसिंग को भी थोड़ा ज़्यादा यूज करो. प्लीज यूज थोड़ा ज़्यादा स्पेसिंग. तो यू माइट बी थिंकिंग सर कॉपी खत्म हो जाएगी, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा एंड ऑल दैट. ऐसा कुछ नहीं होगा. ठीक है, यू विल बी एबल टू कंप्लीट द कॉपी इन वेल इन टाइम, और बहुत सारे पेजेस बचेंगे, नो इश्यूज. तो तुम स्पेसिंग अच्छे से लो, तुम्हारी राइटिंग ज्यादा अच्छी दिखेगी. लेजिटिमेट होना चाहिए जो भी लिख रहे हो. डोंट ट्राई टू ओवर राइट थिंग्स. और दूसरा, ऐसे बच्चों की एक बुरी बीमारी होती है कि वो जब कट करते हैं तो वो कट नहीं करते, वो एशियन पेंट्स करते हैं. तो व्हाट दे सिंपली डू, दे विल कम हियर, वो पहले ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे पुताई हो गया, चलो भैया अब लेबर्स यहां लगेंगे, अब यहां पुताई हो गया, फिर ये 2 राउंड हो गया सर, अब चलो 3रा राउंड करते हैं. तो फिर दे विल डू कि सर इधर क्रॉस कर दो, अब ये भी हो गया, तो सर लेट्स डू इधर भी, फिर बोलेंगे कि सर अगर आखिरी में थोड़ा टाइम बचा तो थोड़ा सा इस पर पुताई एक बार और करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ताकि ये पूरा मतलब एकदम अच्छे से कट ही जाए, मतलब इसकी आने वाले कोई जनरेशन भी ना बचे, भले यहाँ से एक इस पेज में से होल हो जाए और इधर से उधर देखने लगे, लेकिन काटेंगे अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करना, ओके, अवॉइड दीज थिंग्स। नाउ ट्राई टू जस्ट कट वन सिंगल मार्क, दैट्स इट। या फिर बहुत ज़्यादा तुमको लग रहा है, डाउट हो रहा है, तो 2-3 लाइन डाल दो, दैट्स इट, ओके। तो आई गेस ये नीटनेस के जितनी हो सकती थी वो मैंने बता दी। अगर इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ आइडिया है तो वो कर लेना, बट हाँ नीट थोड़ा होना चाहिए। आंसर अगर नहीं पढ़ पा रहा है कोई एग्जामिनर तो नंबर नहीं मिलने वाले बेटा, बात पक्की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है ये नॉट चेकिंग द आंसर शीट बिफोर सबमिटिंग। अब ये हर वो बच्चा करेगा जिसके ऑब्वियसली आंसर शीट एकदम 2 घंटे 50 मिनट में खत्म हो रही है, बेचारा कैसे चेक करेगा, जाहिर सी बातें नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए तुम्हें एक ही टिप्स है कि स्टार्टिंग से तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, और ये गलती ना हो इसके लिए पहले की जो सारी गलतियां हैं उनको अवॉइड करनी पड़ेगी। पहला, 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन में अननेसेसरली यू डोंट हैव टू पुट मोर टाइम, दैट इज द फर्स्ट थिंग वुड यू हैव टू डू। सेकेंड, यू हैव टू डोंट डू सिली मिस्टेक, क्यों सिली मिस्टेक करोगे, आखिरी में आंसर नहीं आ रहा है, कुछ लोचा हो रहा है, यू विल बी अगेन चेकिंग, टाइम जाएगा तो आखिरी में टाइम नहीं बचेगा। तो ये आखिरी में टाइम बचाने का एक मेन स्ट्रैटेजी जरूरी है, और आखिरी में टाइम बचाओगे तो काफी सारे इसके फायदे हैं। पहला, चेक कर पाओगे, यू विल बी एबल टू चेक योर आंसर ज़्यादा, जितना अच्छा 1 बार चेक किए 2 बार चेक किए, गलतियां पता चलेंगी तुम्हारी खुद की, उसको ठीक करोगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यू विल बी हैविंग मच मोर हायर मॉरल कॉन्फिडेंस। उस कॉन्फिडेंस से हो सकता है तुम्हारे 1-2 क्वेश्चन फंसे हुए हो जो नहीं बन रहे होंगे, तो वो क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग के उन गलतियों पे ध्यान देना और अपने माइंड को शांत रखना, ताकि तुम पेपर 2 घंटे 30 मिनट में मैक्सिमम खत्म कर लो, 2 आवर 30 मिनट मैक्सिमम, ओके, इतने में कंप्लीट कर ही लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट थिंग। अब ये आखिरी वाला है। अब ये जो आखिरी मिस्टेक है, मैंने इसको लिया क्यों है? तुम सोचोगे सर पेपर हो गया, अब तो डिस्कस करने ही दो, अब क्या फर्क पड़ता है। देखो, इसका फर्क पड़ता है, और इसका फर्क लॉन्गर रन में पड़ता है। कैसे पड़ता है वो भी समझाता हूं। देखो, पता है, आई गेस ये सारे बच्चे मानेंगे कि हर बच्चे को थोड़ा ना थोड़ा एक प्रॉब्लम होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब, जो जिनको नहीं समझ में आती, जिनकी अंग्रेजी थोड़ी सी हिली हुई है, वो समझ लो, प्रोक्रेस्टिनेशन सिंपली मीन्स डे ड्रीमिंग, इमेजिनेशन, एंड दिस इज नो वेयर रॉन्ग थिंग। लेट मी टेल यू, दिस इज नो वेयर रॉन्ग थिंग, इनफैक्ट अ वेरी गुड थिंग, होना चाहिए। मेरे अंदर आज भी है और बचपन में था। बचपन में मैं काफी परेशान होता था कि क्यों है, वाई आई एम कीप ऑन थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग, क्यों इतना इमेजिन कर रहा हूं। बट बिलीव मी, आज मेरे को उससे बहुत फायदा होता है, तो होना चाहिए। बट मुद्दे की बात क्या है ना, कि ये चीज, ये जो डे ड्रीमिंग है और ये इमेजिनेशन है, इसको एक जगह पे रुकना चाहिए। मीन्स वी शुड बी इन चार्ज ऑफ आवर ओन थॉट, कि मुझे कब इसको करना है और कब रोकना है। वो बचपन में नहीं हो पाता, वो वहां पे हम रुक नहीं पाते। एक्चुअली इफ वी स्टार्ट ड्रीमिंग, इफ वी स्टार्ट थिंकिंग और इमेजिनिंग, तो वो चलता ही जाता है, एंड वी लूज समथिंग अराउंड 3-4 आवर्स। तब हमें लगता है ओ शिट, ये हमने क्या कर दिया। अब तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे होता है और इसके क्या क्या मतलब रॉन्ग इफेक्ट्स हैं, या क्या नहीं होना चाहिए इसमें, वो बताता हूँ। तो उसी से रिलेटेड है ये। अब होता क्या है, व्हेन यू डिस्कस योर पेपर, तो से फॉर एग्जांपल 80 मार्क्स का पेपर था, आपने सब कुछ अच्छा बढ़िया बढ़िया लिखा, एंड यू आर थिंकिंग कि यार 70 प्लस आना चाहिए या 75 प्लस आना चाहिए, एंड यू आर इन फुल कॉन्फिडेंस। सर मैंने फोड़ दिया, मम्मी पापा को ये बताया, फोड़ दिया मैंने, वाह, आग लगा दिया। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद तुम्हारे 2 दोस्त मिले, उन 2 दोस्तों में राजे, क्वेश्चन नंबर 3 बनाया था, हाँ बनाया था, आंसर आया था, क्या आंसर तेरा? मेरा 5 आया था। हैं बेवकूफ, आंसर 3 है, देख ये ऐसे ऐसे था, इसमें ये ट्रिक लगा हुआ था। तो ओ सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बनाया था, हाँ बनाया था, ये आंसर आया, नहीं ये आंसर नहीं आया, फिर तुम्हारी लगी। करते करते हो सकता है 5 क्वेश्चन तुमने रॉन्ग कर दिए। अब अगर जब तुमने पता चला तुम्हें ये कि तुमने 5 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, तो तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन 75 का था वो शायद घट के 65 हो जाएगा, Isn't it? या हो सकता है शायद उससे भी कम हो जाए। और हमेशा याद रखना, जब तुम्हारा एक्सपेक्टेशन टूटता है और एक सर्टेन लेवल के बियॉन्ड टूटता है, तो तुम्हारा मोरल बहुत डाउन होता है, दैट इज अ फैक्ट। ये सब तुम लोग भी एक्सपीरियंस किए होगे। अब इससे होगा क्या, वो पेपर तो जाना था, ये हमें भी पता है और तुम्हें भी पता है कि सर वो पेपर तो चला गया, उसके बारे में सोच के क्या ही कर सकते हैं, बट इंसानी दिमाग है, मानता कहाँ है, Isn't it? और तब यहाँ पे आता है ये प्रोक्रेस्टिनेशन। अब तुम सोचना चालू करोगे कि यार 75 सोचा था, दोस्तों ने तो बताया 65, पता नहीं अब कुछ और गलती ना हो गया हो, चलो और कुछ गलती हो जाएगा तो शायद मानता हूँ 55 तक तो मिनिमम आ ही जाएगा, ओ शिट, लेकिन मेरी प्लानिंग तो थी 90% लाने की, अब तो 55 ही आ रहा है, तो भाई यहाँ तो 20 नंबर का गैप है। अब ये 20 नंबर मैं कहाँ कवर करूँगा? अच्छा ठीक है, उस सब्जेक्ट के बारे में सोचता हूँ, वहाँ शायद हो जाए। नहीं यार SST तो बहुत मुश्किल है, साइंस में सोचो। एंड देन अ होल बंच ऑफ थॉट कीप्स ऑन कमिंग यू, और वो कभी रुकता नहीं। तो एक्चुअली हुआ क्या, आपने 10 नंबर क्वेश्चन गलत किए, वो आप डिस्कस करो तो भी गलत है, डिस्कस ना करो तो भी गलत है। ठीक है, डिस्कस तुमने किया तो उससे हुआ क्या, दैट यू ट्रिगर्ड अ सीरीज लॉन्ग थॉट प्रोसेस व्हिच इज नॉट गोइंग टू एंड एनीवेयर, और वो चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। एक थॉट, दूसरा थॉट, तीसरा थॉट, चौथा थॉट एंड सो ऑन। उसके कारण से आपके अगले एग्जाम्स बिगड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यू आर नाउ वेरी मच टेंस्ड, और आप अगले एग्जाम में, जैसा मैंने अभी बताया, ओवर कॉशियस रहोगे। यू विल बी ओवर अगेन, तुम्हारे दिमाग में टाइम का घंटा घूमता रहेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है ना हर एक चीज से, और ये सारी चीजें आगे के साइकिल को खराब करेंगे। अब अगर मान के देखते हैं तुमने इसको यहीं पे रोक दिया, दैट यू डोंट डिस्कस एनीथिंग विथ एनी ऑफ योर फ्रेंड, ठीक है, तो अभी तुम्हारे दिमाग में क्या है, 75 नंबर ला रहे हैं, वाओ, तो यू आर ऑन क्लाउड 9। भले वो गलत हो, कोई बात नहीं, एग्जाम में जब पेपर आए तो तुम्हारे 55 आ जाए, कोई इशू नहीं, बट अभी तो तुम सोच रहे हो ना 75 आ रहा है, और जब तुम ये सोच रहे हो दैट यू आर गेटिंग 75, तो आप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहोगे, यू विल बी फीलिंग लाइक वाओ भाई, मैथ्स में 75, मेरे तो स्कूल में 65 आते थे, यहाँ 75, बोर्ड्स में 75, ओ वाओ, आई एम विनिंग, आई एम द विनर। एंड व्हेन यू विल बी थिंकिंग दैट, तो तुम इतने ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे कि उस जोश में, उस एनर्जी में, यू विल बी कंप्लीटिंग अदर सब्जेक्ट्स इन अ लेसर टाइम, इन अ मोर अप्रोप्रिएट मैनर, मोर इफेक्टिव मैनर। और ये एक काफी अच्छी चीज है, काफी बड़ा फायदा है। अगर आप झूठे बात से ही अपने आप को मोटिवेट कर पा रहे हो तो नुकसान क्या है यार, क्यों उस झूठे बात को खत्म करना। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, नेवर एवर डिस्कस योर पेपर इवन आफ्टर पेपर खत्म भी हो जाता है, तभी भी उसको कभी किसी दोस्त को के साथ डिस्कस मत करो। मत पूछो उनसे कि तुमने कितना बनाया, तुम्हारे कितने नंबर के बने। हो सकता है एग्जाम में तुम 4 नंबर के क्वेश्चन छोड़ के आओ, या 4 क्वेश्चन छोड़ दिए हो तुमने टोटल 20 नंबर के, तुम यही सिर्फ मानते रहो कि सबने 4 छोड़ दिए होंगे, पेपर बहुत लंबी होगा। ट्राई टू बिलीव दिस, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। भले झूठा हो सही हो, फर्क नहीं पड़ता। बिलीव ऑल दोज थिंग्स विच आर बेनिफिशियल फॉर यू, डोंट बिलीव और डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स जिसमें तुम्हारा नुकसान हो रहा हो, डोंट थिंक दैट। सो डोंट डिस्कस द पेपर्स आफ्टरवर्ड्स एंड डोंट डिस्कस एनीथिंग। बस सिंपल से आए घर, और नहीं हो तो मूवी चले जाओ दोस्तों के साथ, एंजॉय करो। कोई दोस्त बोलता है यार ये डिस्कस करना, अरे भाई मेरे को टाइम नहीं है, मैं नहीं डिस्कस करता, मैंने पेपर फोड़ दिया है, तुम लोग बस छोटे मोटे लोग, चलो हटो डिस्कस करो, ऐसा करके हटा देने का। ठीक है, तो ये 7 मिस्टेक्स जो मुझे लगे, दोज आर वेरी कॉमन एंड विच मस्ट बी कर्टेल्ड। अगर ये 7 चीज़ों पे तुम थोड़ा सा ध्यान दे लो, इनफैक्ट 7 भी मैं नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा स्टार्टिंग के 3 पे ध्यान दे लो, बाकी और ये एक आखिरी वाला, तुम्हारे बाकी के जो बीच के 3 मैंने बताया ना, वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग कि दिमाग में अपने उस टाइमर को चलने मत करो उस टाइमर को। सेकेंड फर्स्ट थिंग एंड सेकेंड थिंग, डोंट बी ओवर कॉशियस। ओवर कॉशियस नहीं होने का, एकदम रिलैक्स होकर एग्जाम देने का है। ये बस एक एग्जाम है, ये लाइफ एंड डेथ नहीं है। तो ये 2 चीज़ों का अगर ध्यान दे लोगे ना तो बाकी सारे हो जाएंगे, और एग्जाम खत्म होने के बाद इस चीज़ का ध्यान। ठीक है, तो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। बिफोर मूविंग ऑन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो इफ यू हैव लाइक्ड इट, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए। और इनफैक्ट वो लोग देखेंगे तो शायद वो भी तुमसे डिस्कस ना करें कि भाई उंगली करके बताना ये वाला बनाया क्या, कितने सही हुए। तो इवन यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू शेयर इट एंड लाइक द वीडियो एंड पुट अ लॉट ऑफ कमेंट्स। यू नो मेरे को कमेंट काफ़ी पसंद है। ओके, तो सी यू ऑल गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय। और मैं कुछ ना कुछ लेकर आता रहूँगा। एक और मैराथन लेकर आ रहा हूँ मैथ्स एग्जाम के लिए तुम लोगों का। तो मैथ्स के एग्जाम के टाइम पर वो मैराथन रहेगा मेरा फॉर मैथ्स पेपर। तो और भी बहुत सारी चीज़ें कुछ लेके आते रहूँगा तुम लोगों के लिए, जिससे कि तुम लोगों का और कुछ अच्छा होता जाए। ठीक है, तो सी यू ऑल गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। बाय बाय।